हे गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप केम छे वादाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में, हमारी यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। मैं हूँ मिस्टर राज, आप सभी का अपना भाई। और गाइस, आज है संडे और डेट है समवेयर अराउंड 4th of July। आज मुझे ऑफिस भी जाना है, बहुत सारा काम था, क्योंकि ये संडे है तो ऑफिस नहीं होता है। जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, जब आपका अपना काम होता है, तो फिर जाना ही पड़ता है। तो काफ़ी दिन से गया नहीं था, अभी जस्ट उठा मैं थोड़ी देर पहले, और मनीषा देखी मेरे लिए नाश्ता सैंडविच वगैरह सब कुछ बना करके ला दिए। मैं यहाँ लैपटॉप पे बैठ कर कुछ कुछ काम भी कर रहा था और यहाँ सैंडविच आ चुका, तो अभी जस्ट मैं नाश्ता करूँगा फिर निकलूँगा, और उसके बाद से मुझे हेयर कट वगैरह लेना है, इसीलिए मैं अभी नहा के नहीं जा रहा हूँ। तो बस बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को आज ही बता देता हूँ कि मम्मी पापा और भी कुछ लोग घर से हमारे पास आ रहे हैं घूमने फिरने, तो मैंने ही बोला था कि आप लोग आना ज़रूर, और इनफैक्ट टिकट वगैरह सब मैं बुक करके ही आया था। कब आ रहे हैं ये सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि सस्पेंस थोड़ा सा रहेगा तभी तो मज़ा आएगा, है कि नहीं। तो चलिए, बस आपको अब उसी की तैयारी करनी है। पूरा घर हम लोग का बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है, उधर भी आप देख सकते हैं, सब कुछ अरेंज करना है। जस्ट होप कि ब्लॉग में आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, बने रहिए गाइस। तो गाइस, फाइनली मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस के लिए, जस्ट गाड़ी स्टार्ट किया, और मनीषा को भी देखिए, ये देखिए दूध का पैकेट उठा रही है। जल्दी आ जाएगी, देर से जाए ना। बाय बाय। इंस्टीट्यूट पे, कोचिंग पे, ये तो कोचिंग है ना, वहाँ सारा सब बिखरा होगा ना, सब सोच रहे हैं अरेंज कर देते हैं, सबको अरेंज कर देते हैं, बिखरा पड़ा होगा इधर उधर। सलून में आ गया था ताकि अपना थोड़ा इंसानी रूप धारण कर सकूं। काफ़ी ज़्यादा बाल बढ़ गए थे, मैंने सोचा कि चलो यार कटिंग वटिंग करवाते हैं, थोड़ा सा इंसान बनते हैं आज। सो गाइस, फाइनली कटिंग हो गई है और मेरी गाड़ी भी गर्म हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊं, आज ये मेरा बार बार भूल गया कि मैं इस साइड से कॉम करता हूं, और आज इसने मेरी इस साइड से कटिंग कर दी है। खैर, ये साइड भी थोड़ा सा रखते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। एनीवेज, आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये हेयर स्टाइल कैसा लगा। फिलहाल चलते हैं घर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मनीषा आपको उपटन पाउडर के बारे में बताएंगे, जो ये खुद लगा भी रही है, आपको दिख रहा होगा। और ये उपटन पाउडर, उपटन पाउडर बहुत ही अच्छा है, एल्फ गुडनेस का है ये। और ये उपटन पाउडर हमारे स्किन को यंग दिखाता है, जो एक्ने होता है या फिर पिंपल्स होता है उससे बचाता है। ये 100% प्योर एंड नेचुरल है, केमिकल फ्री है, और साथ ही साथ ये हल्दी चंदन और वीट फ्लोर और ग्राम फ्लोर भी इसमें। तो आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल 100% नेचुरल है। जनरली उपटन हम लोग घरों में भी लगाते हैं, तो ये मेरे को भी लगाएगी, खुद भी लगाएगी। और इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमने purple.com से मंगाए हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में। गाइस, इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस 85 rupees का है, ठीक है। अगर आप इस पर 10% का डिस्काउंट लेते हैं तो और आपको 8-10 rupees का डिस्काउंट वैसे ही मिल जाएगा। साथ में purple.com पे तो ऑफर भी चलते रहते हैं लगातार। और यहाँ पर और भी दो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊँ, तो एक है ये जेल क्रीम, जो कि गुड वाइब्स की तरफ से सनस्क्रीन, ये SPF 50 का है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जब भी आप धूप वगैरह में जाएँ, आप इसको आधे घंटे पहले लगा करके जाएँ, आपके चेहरे पर टैनिंग आने से रोकेगा और आपके चेहरे को बहुत ही यूथफुल ग्लो भी देता है। साथ में अगर बात करें एक और क्रीम की, तो ये चेहरे पे आप लगा सकते हैं, ये है ग्रीन टी का। तो ग्रीन टी आपको पता है फेस क्रीम, ये आपके चेहरे को कितना ज़्यादा फ्रेश दिखाएगा। और साथ में ये बहुत ही, ये भी आपका पैराबेन फ्री है, कोई भी तरह का केमिकल नहीं है, कोई भी तरह का सल्फेट इसमें एडेड नहीं होता है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। टी एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, लीफ टी लीफ ऑयल वगैरह बहुत सारे इसमें आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट से ही बना हुआ है। और आप हमारे लिंक हमने सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लिंक से परचेज कर सकते हैं। साथ में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग GET100 का कूपन यूज़ कर सकते हैं। तो है ना कमाल की बात, देर किस बात की, चली चलते हैं ब्लॉग। हेलो एवरीवन, तो अभी टाइम हो चुका है शाम के 7:26, और मैं तो आया नहा करके, मतलब आया बाल बाल कटवा के, नहा वहा करके, खाना खा के मैं सो गया, शूट नहीं किया। और सोने के बाद भाई लंच के बाद नींद खुल रही है, ये सोई हुई थी, तो मैं इसको गुस्से में उठा उठा के मैं भी सोया, एक्टिंग कर रहा था, और इसका सिर भी दर्द कर रहा था, इसका सिर भी दबाया थोड़ा बहुत, पूरा ऑयल लगा लिया।
पूरा ऑयलिंग किया तो आज हमारी मनीषा थोड़ी सी बीमार थी। कल से ही थोड़ा थोड़ा जुकाम हो गया, गर्मी भी है ना। और ठंडा पानी फ्रिज का पी लिया, एसी और चला ही रहे हैं ऊपर से, तो इसलिए थोड़ी जुकाम लग भी गई है। तो इसलिए इनका चेहरा बेचारी का देखिए कैसे उतर गया। कोई बात नहीं है, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। नहीं, मेरे सबसे गंदा बीमारी लगता है जुकाम होना, क्योंकि वो होता है ना। कौन सा बीमारी सबसे अच्छा लगता है? कौन है, कहाँ से आती है? कोई भी नहीं, लेकिन सबसे थोड़ा ये होता है ना, बाकी इसमें तो पूरा ये आँख एक एक पूरा हमारा ये दांत का जो जबड़ा नहीं होता वो दर्द होने लगता है, मन करता है कुछ खाते रहे उसमें। तो वही चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत थकान है पहले की भी। तो आज हम लोगों को तो पूरा घर वर भी सीधा करना है, क्योंकि आप लोगों ने बताया मम्मी पापा भी आने वाले हैं। तो अभी हम लोग जब से आए घर भी सीधा नहीं किया, और आज सोचे थे मतलब तो आज हम बीमारी, आज पूरा घर धोना था वगैरह वगैरह। मैं भी इसको बोला था कि आज पूरा घर सब क्लीन आउट कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मेरी भी आँखें थोड़ी सी ये हो रही है, इनको भी थकान हो गया है। तो अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि इसको थोड़ा मारे कि बाहर घूम फिर के आए। कार मेरी बाहर है क्योंकि सुबह ऑफिस गई था, और चलिए अब बाहर चलते हैं। और जस्ट होप कि मनीषा जल्दी से फटाफट एकदम चहकती बहकती अपनी चिड़िया जैसी हो जाए, फुदकने लगी फिर से। चलिए बने रहिएगा आप लोग, चलते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं गाइस मार्केट के लिए। मनीषा का मुँह देख सकते हैं आप लोग, आज कैसा इंसान जैसा मुँह लग रहा है कि कैसा लग रहा है बताइएगा। थोड़ा ही बीमार रहती है, नाक लाल हो जाता है इसका एकदम। क्यूट लगने लग जाती है थोड़ी थोड़ी। क्यूट लग जाते तो हमेशा बीमार ही पड़ते आएंगे। बीमार नहीं है, थोड़ा सा जुकाम हो जाता है मेरे को अगर बिल्कुल कहीं जाते हैं। तो दोस्तों अब सब्जियां खत्म हो गई थी, बाजार आए हैं, देखिए अंधेरा कितना है, और अभी 8 भी नहीं बजा हुआ, लेकिन बहुत कम लाइटनिंग है। और यहाँ पर देखिए मनीषा क्या क्या सब्जियाँ पसंद कर रही है। वैसे हम लोगों ने आम भी लिए हुए, मौसमी लेना है, फेवरेट इसका मौसमी है। टमाटर है, बच्चे में टमाटर खा देते थे, शिमला मिर्च पूरा पिचक गया, पपीता भी। तो अब गाइज हो चुका काम मनीषा का, इसे इतना भारी उठेगा नहीं। और अब यहाँ हम लोग निकल चुके हैं, हमारी गाड़ी यहाँ लगी है। समोसा शाम को मार्केट निकले ना तो एक अलग ही नजारा हो जाता है। जूस पीना है क्या? पीते हैं, जूस पीते हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो मनीषा कह रही कि मेरे को जूस पीना है, तो फाइनली हम लोग जूस के शॉप पे आ चुके हैं। और यहाँ पर इनका फेवरेट जूस, आज कौन सा शेक पिएगी? मैंगो शेक, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। बनाना शेक, सॉरी मैंगो बोल रहा हूँ, मैंगो तो घर पे खुद ही हम इतना खाते रहते हैं। आज 3 किलो आम लिए हैं हम लोग, 3 किलो, 2 किलो आम 2 दिन में ख़त्म, 2.5 किलो। तो दोस्तों ये है मनीषा का फेवरेट, और ये है चिकन पकौड़ा जो हमने अभी लाया मार्केट से। मनीषा एकदम खुश हो जाएगी अब खा खा के। हाँ, अभी हम लोग खाएंगे इसको। दोस्तों मार्केट से भी आ चुके हैं, मुझे लगा था कि आज हम लोग दिन में सोए हैं तो मनीषा सोएगी नहीं, लेकिन यहाँ पर इसका देखिए कैसे कैसे हो गई बेचारी, बोलती भी नहीं है। और जब ये बोलती नहीं है तो मेरा मन नहीं लगता है। मनीषा उठो, ठीक बात बताओ, ये कहाँ छिदवाई है यहाँ के लिए? ठीक है, यहाँ ही कौन छिदवाता है, फिर एक और छिदवा लोगी तुम। अरे एक और है क्या जी? अरे एक और छेद है। अभी पूरा अपने निद्रम अवस्था में जाने की कोशिश कर रही है, और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे इस 31 मिनट्स एग्जैक्ट लगा इसको आज के खाना बनाने में। मैं बात कर रहा था अपने दोस्त अंकुर से, तब तक इसने पूरा खाना बना लिया। मैंने सोचा कि खाना पीने का भी कुछ शूट करके आपको दिखाएंगे, पता लग रहा है मैडम साहिबा ने तो खाना पूरा बना लिया। और आज हम लोग मार्केट गए हुए तो बहुत सारा आम वगैरह भी लेकर के आए हुए हैं। बाकी ये उठ क्यों नहीं रही है? उठेगी नहीं ना तो मेरा मन नहीं लगेगा। मनीषा उठो, सोने से और बीमार होता है इंसान, आँख दर्द हो रहा है, चलना डॉक्टर के पास। हर बार तो तुम घर जाती थी बीमार होती थी, इस बार घर से आके बीमार हुई है। आप लोग भी कमेंट करते थे कि मनीषा जब घर जाती है ससुराल में बीमार होती है, इस बार तो ससुराल से आके बीमार हो रही है। पता नहीं गाइस, इससे ज्यादा हरासमेंट तो मेरे को वह सामान उठा उठा के कैसे घूम रहा था। ऐसे 3-4 दिन अगर मैं सामान उठा लूँ ना, 3-4 दिन अगर मैं घूम लूँ तो मेरे को कूली घोषित कर दिया जाएगा।
आदत क्या नहीं है, आदत थोड़ी होता है घूमने फिरने से इंसान के अंदर। अब देखो एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं है लेकिन बाहर जाते जाते हैं तो उसी में हम लोग को बॉडी में अलग सी एनर्जी मिलती है, एक्सरसाइज होते रहता है तो घूमते फिरते रहना चाहिए। ट्रैवल करने से इंसान को हरासमेंट होता है, मजा आता है हरासमेंट के साथ साथ, तो मजा आता तो है। पता है क्या, शादी के पहले मुझे कहना था कि घुमाते नहीं हो। नहीं तो ऐसे उनको ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता है, घूमना तो पसंद ही है। तो अभी हम लोग फिर अब मम्मी पापा सब लोग आएगा तो घूमेंगे फिरेंगे और क्या। लड़की बेचारी जल्दी से ठीक हो जाओ, तो जुखाम हुआ है ऊपर से बनाना शेक पी लो, तो जुखाम में बनाना शेक कौन पीता बताओ, तो फिर से दबा दे ये ना पूरा सिर आँख ये पूरा ये आँख तक का पार्ट बैठ रहा है। बाप सही है, खाना बना रहा है तो क्यों खाना बना रही थी, नहीं बनाती मन में नहीं कर रहा था, ऐसे ही आटा सामने जल्दी जल्दी हम बना देते बोल देती, अब बात कर रहा था ना तो थोड़ा वेट कर लेती। वेट क्या करता, टाइम गाइस इसका चेहरा बहुत चमक रहा है आजकल पता है, नहीं चमक रहा, चुप रहो तुम, रहने दीजिए। डेली लगा रही है टोनर, टोनर सीरम सब मेंटेन कर रही है भाई। आज आज भी लगाई है, अभी नहीं फिर रात को भी सोते टाइम लगाएगी। खैर चलिए फेस केयर भी जरूरी है, जल्दी से ठीक हो जाए। आप लोग प्रे कीजिए, बीमार पड़ गए हैं उस पे, आप लोग प्रे कीजिए कि मनीषा जल्दी से ठीक हो जाए। जब बीमार हो जाती है ना बोलती नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, और जब फुदकते रहती है चहचहाते रहती है चिड़ियों की तरह चह तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। चल मेरा बेटा जल्दी से आप लोग प्रे कीजिए गाइस, मनीषा फटाफट ठीक हो जाए। तो गाइस तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है, पता नहीं हरासमेंट है या ऐसे ही जुखाम की वजह से। तो अभी मिस्टर राज सब खाना वगैरह लाए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और बीमार हो जाते हैं ना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं तब से बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से सोच रहा हूँ, डर हो गया है कि यार क्योंकि हम लोग दो ही लोग हैं ना, और किसी को भी कुछ होगा तो दूसरे के मन में थोड़ा सा अजीब सा हो भी जाता है। नमक बहुत ज़्यादा डाल दिए और सब खाना भी यही बनाई थी उस समय, उसके बाद खाना खाइए अब नमक बहुत है। ये खाए तो खाए अब इनका मूड खराब, नमक ज़्यादा नहीं लग रहा है मेरे को, लग रहा है सिर्फ नमक ही खा रही हूँ मैं। और यहाँ पे आम भी लाए हैं, ये मिर्चा भी लाए हैं, जबकि मैं मार्केट इसलिए गई कि थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाऊंगी, शायद घर में रहते रहते ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये बोल रहे थे कि तुम खाना क्यों बनाइए, मैं बना देता। आलू मटर की सब्जी थी, गोभी, ये घिया क्यों बनाई, बना दिया ना क्योंकि ऐसे तो कभी दो सब्जी बनाते नहीं है, दिन वाला सब्जी सब काम चलाएंगे तो आदत भी पड़ जाएगा। तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, इसके बाद से मैं थोड़ा बात भी करूँगी मम्मी से, आज मम्मी पापा का ट्रेन भी है, लेकिन मैं कॉल करके भी कॉल नहीं लगा, तो फिर से मैं सोची कि कहीं वो लोग पैकिंग वगैरह करते होंगे ना, क्योंकि आज ही रात में 2 बजे ट्रेन है, फिर वो लोग लखनऊ जाएगा, फिर लखनऊ से कल रात को 10 बजे ट्रेन है, फिर परसों आएगा वो लोग। अच्छा ऐसे ट्रेन है तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाएगा। हम लोग का भी लखनऊ से ट्रेन था, लेकिन लखनऊ का स्टेशन मेरे को बहुत प्यारा लगा, ऐसे मुंह में खाना नहीं है, ऐसे मिर्चा मुंह में कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों अब खाना पीना हो गया हमारा, और अभी वक्त हो रहा है रात के 10 बज चुके हैं, खाना खाए बहुत टाइम भी हो गया। अभी मैं मनीषा को दवाई दे रहा हूँ क्योंकि ये दवाई खाती नहीं है और बहुत नखड़े करती है, मुँह बनाती है, इसलिए अभी मैं आप लोगों के सामने खिलाऊंगा ताकि आप लोग ये ना बोलो कि मैं इनकी केयर नहीं करता हूँ। खाओ तू तो शादी के खाए ना, खाना खाए वो टाइम हो गया, खाओ खा लीजिए, तक जल्दी फटाफट खाओ। देखिए गाइस बहाना शुरू हो रहा है इसका, फास्ट मेक इट फास्ट, नो मोर एक्सक्यूजेस, डोंट टेल मी एनी एक्सक्यूज। फटाक फटाक दवाई निकाली पॉकेट में से और फटाक से मुंह में डाली और पानी पी ली तो बीमारी फट से भाग जाएगी, ये हरासमेंट है। चलो शाबाश, इसमें पॉकी पिट इन माय पॉकेट, गुड, मुंह देखिएगा गाइस ध्यान से, लिपस्टिक ना इसका यहाँ लग जाता है, देखिए क्यों आम खाने से लग जाता है। चलो ठीक है, मुंह देखिए, मुंह देखिए
हाँ यार राजा अभी तक कितना बहादुर बच्चा है। जस्ट प्रे कीजिएगा इसकी जल्दी ठीक रख दीजिए ग्लास और फटाफट सो जाओ, आराम कर लो, बाकी सारा काम हम कर देते हैं, सिर्फ सो जाओ तुम। ओके गाइज अभी वक्त हो चला है सोने का, तो सोते हैं, कल सुबह मिलते हैं आप सब उसे अर्ली मॉर्निंग, और चलिए अब नेक्स्ट पार्ट आपको कल दिखेगा। मनीषा का चेहरा कैसा हो गया, काफी दिन बाद बीमार हुई है इस बार। पहले पट पट होती थी लेकिन ऐसे बीमार कभी नहीं होती थी, कभी सिर दर्द और ये बुखार टाइप का थकान मतलब ऐसा नहीं होता था, अभी हुआ है क्योंकि बहुत भागम भाग हो गया। चलिए अब इसके बाद कल ही मिलेंगे। मम्मी पापा ऑलरेडी ट्रेन में है, मैं भी उठ गया हूँ, मनीषा भी उठ चुकी है, हालांकि अब उसकी तबीयत थोड़ी पहले से बेटर है, और पहले से बेटर क्या बहुत बेटर है। एंड आज से मेरा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट है, तो अभी मैं मतलब स्टार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, 9 बजे से मेरे क्लासेस हैं, ऑलमोस्ट 8:30 हो चुके हैं। थोड़ा देर पहले मैं उठ गया था, मनीषा भी जस्ट उठी है, और चलिए तो अब इनकी भी शक्ल देख सकते हैं आप लोग। क्या जी ठीक हो गए तुम? हाँ ठीक तो लग रहा है, लेकिन अभी तक फेस में दर्द हो रहा है। अभी इसको पूरा इधर दर्द हो रहा है और गर्दन में दर्द हो रहा है ना जी, ये यहाँ तक दर्द हो रहा है, छींकने से ना ये सब दर्द होता है जुकाम, क्योंकि हम लोग स्लीपर में आए थे, डस्ट एलर्जी भी लगा है। हाँ तो मैं ऐसे भी जुकाम हो जाता है ना। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं आज चांद का टुकड़ा क्या बना रहा है, अच्छा लग रहा है ना चांद का टुकड़ा बोलने में। क्लास खत्म हो गया, इसमें चावल, हाँ क्लास खत्म हो गया, चावल इसमें सब्जी, किस चीज की सब्जी भाई? ओए होए होए होए, तो मेरा फेवरेट वाला है, पापा का ही फेवरेट है ये, यही कल भी बना दिया जाएगा। तो यहाँ बीन्स की सब्जी बन रही है, आलू बीन्स, और इसमें दाल बना होगा है ना, तो चावल दाल सब्जी सुबह 10 बजे तक सब कुछ बन के तैयार है। आटा भी है, आटा अच्छा, रोटी आटा। रोटी बनेगा अभी ब्रेकफास्ट के लिए, तो आटा गूंद के रख दी थी, वाह वेरी नाइस। तो इसको कहते हैं कि चाहे जितनी मर्जी हाउसवाइफ जो होती है ना, वो एकदम अपना ख्याल रख ही लेती है, अपना काम कर ही देती है। तो दोस्तों बस आज के ब्लॉग में इतना ही रहने देते हैं, जस्ट होप कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हाँ नए होंगे तो शेयर जरूर, नए होंगे या पुराने होंगे शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में मुस्कुराते हुए नए चेहरे के साथ, नेक्स्ट वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना आप लोग, ठीक है, बाय बाय, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।